अपना न्यू चैप्टर है लीनियर इक्वेशंस। इन टू वेरिएबल्स लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर अपन बात करें लीनियर पॉलीनोमियल, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करेंगे लीनियर पॉलीनोमियल की, तो इसमें लिखिए लीनियर पॉलीनोमियल क्या होता है भाई। लीनियर पॉलीनोमियल कौन सा होता है बेटा? पॉलीनोमियल्स में अपन ने पढ़ा था कि लीनियर पॉलीनोमियल कौन सा होता है बेटा? सर विद डिग्री वन, सर अ पॉलीनोमियल विद डिग्री वन। ओके, अ पॉलीनोमियल विद डिग्री वन। ओके, अच्छी बात है भाई, अ पॉलीनोमियल विद डिग्री वन, तो लिख लीजिए इसमें अ पॉलीनोमियल उस डिग्री इज वन। ओके, ओके, उसके बाद लिखिए जरा, जैसे कि अगर अपन बात करें एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस टू, टू एक्स प्लस फाइव, माइनस टू एक्स प्लस सेवन are linear polynomials in terms of x। clear ये वाली बात बेटा जी? Yes sir। one variable के linear polynomials है, clear ये वाली बात बेटा जी? Yes। okay, जैसे अगर अपन बात करें x plus y plus one, 2x plus 3y plus 7, 2x plus 4y, ये क्या हो जाएंगे? Linear polynomials in two variables। In two variables x and y। x and y। क्लियर है वाली बात बेटा जी? अच्छे से? यस सर। ओके, उसके बाद अपन बात कर लेते हैं, उसके बाद हेडिंग डालिए लीनियर इक्वेशन, हेडिंग डालिए लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन, तो लीनियर इक्वेशंस कौन सी वाली हो जाएगी बेटा? सर इक्वेशन लिखिए, द इक्वेशंस कंटेनिंग, द इक्वेशंस कंटेनिंग वन और टू वेरिएबल विथ डिग्री वन, विथ डिग्री वन, या फिर ऐसा बोले कि जो भी अपने पास पॉलीनोमियल्स होते हैं वन डिग्री के, जो भी पॉलीनोमियल्स होते हैं या जो भी लीनियर अपने पास पॉलीनोमियल्स होते हैं उसके अंदर अपन क्या कर सकते कर दे, अगर इक्वालिटी लगा दे तो वो क्या बन जाएगी अपने पास? लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। ये वाली बात बेटा जी? यस। फॉर एग्जाम्पल
एक्स प्लस टू इक्वल्स टू जीरो, टू एक्स इक्वल्स टू थ्री, टू एक्स प्लस टू इज इक्वल्स टू फाइव आर लीनियर इक्वेशंस एंड वन वेरिएबल ओके x plus y plus 1 is equals to 0, x plus 2y equals to 3, x is equals to 2y are the linear equations in two variables x and y. Two variables x and y, okay? Yes. Clear hai wali baat beta ji? Yes, sir. Yeah. ओके बड़े आगे बेटा यस सर तो अब अपन एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं उसने बोला डिफाइन द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x plus 6 is equals to 0. इस इक्वेशन के वो क्या करने के लिए कह रहा है इस इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड आउट करो क्लियर वाली बात बेटा जी तो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है बेसिकली वो समझ लेते हैं अपन सॉल्यूशन का मतलब ये कि उसने ये बोला कि 3 के अंदर अपन ने कुछ मल्टीप्लाई किया x when 3 is multiplied by x and then 6 is added to the obtained value the whole value becomes 0. Clear है वाली बात बेटा जी कहने का मतलब ये हुआ कि वो अपने से ये पूछना चाह रहा है basically कि ये जो यहाँ पे x लिखा हुआ है इस x का value मैं यहाँ पे क्या substitute करूं कि इस expression का value equal to 0 हो जाए वही इसका क्या हो जाएगा इस equation का सॉल्यूशन हो जाए कुछ आया क्या समझ में बेटा यस सर अपन ये कहना चाह रहे हैं कि 3x plus 6 equal to 0 हो जाए ये तो कहना चाह रहे हैं बेटा 3x plus 6 equal to 0 हो जाए ये अपन कहना चाह रहे हैं तो बेसिकली अपन ये कहना चाह रहे हैं कि वैसे भी यहां पे इसका अपोजिट अगर मैं कहना चाहूं मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि वैसे भी यहां पे मैं x का वैल्यू ऐसा क्या सब्स्टिट्यूट कर दूं कि इसका वैल्यू क्या हो जाए 0 हो जाए क्लियर है वाली बात बेटा जी Yes, okay. तो बताइए फिर यहाँ पे ये वाला जो x है इस x का वैल्यू क्या आएगा फटाफट से बता दीजिए हो गया क्या सर माइनस टू देखिए भाई अपने को बेसिकली चाहिए ये वाला x तो इक्वल टू के लेफ्ट साइड में ओनली वाला x ही रखना है बाकी सब क्वांटिटी को लेफ्ट राइट साइड में ट्रांसफर कर देंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये वाला 6 है इसको इक्वल टू के तरफ ट्रांसफर करो अपने पास गिवन है 3x plus 6 is equals to 0 तो अपन ने क्या किया 3x और इस वाले 6 को इक्वल टू के तरफ ट्रांसफर कर दिया दैट इज माइनस 6 0 माइनस 6 ओके अब यहां पे पंगे कौन कर रहा है x के साथ कौन बैठा हुआ है मल्टीप्लाई में 3 बैठा हुआ है 3 को रिमूव करना जरूरी है बेटा जी तो 3 को रिमूव करने के लिए अपन क्या करें इधर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 रिमूव हो जाएगा इक्वालिटी को होल्ड कर रखने के लिए जो चांसेस अपन ने लेफ्ट साइड में किए वही सेम चांस मैट्रिक्स चांस क्या होना चाहिए राइट साइड में होना चाहिए इधर से इस x के मल्टीपल का ये 3 रिमूव करने के लिए मुझे पता चला कि मुझे डिवाइड करना पड़ेगा 3 से तो इधर भी क्या करना पड़ेगा 3 से क्या करना पड़ेगा बेटा डिवाइड करना पड़ेगा यस और नो यस सर ओके ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया और ये 4 से कैंसिल आउट हो गया तो ये कितना हो जाएगा 2 सो द वैल्यू ऑफ x इज -2
माइनस यहाँ पर क्या जाते हैं ना कि यहाँ पे ये लिखा हुआ तो 3x is equals to minus 6 लिखा हुआ तो 3 इधर मल्टीप्लाई में तो इधर जाएगा डिवाइड में चला जाएगा, वो कोई जादू तो नहीं है कि पता चला भाई साहब यहाँ पे कुछ जादू टोना कर दिया अपन ने और उससे वो डिवाइड में चला जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मल्टीप्लाई में डिवाइड में इसीलिए जाता है कि इधर इसको रिमूव करने के लिए इधर 3 से डिवाइड करना पड़ेगा तो इक्वालिटी को होल्ड रखने के लिए इधर भी 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इधर ये 3 रिमूव हो जाएगा और इधर ये डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है वाली बात बेटा जी? यस ओके। तो x का वैल्यू यहां पे क्या आया, x is equals to minus 2, ये जो अपने पास में लिखा हुआ है x is equals to minus 2, ये क्या हो जाएगा अपना सॉल्यूशन हो जाएगा इस इक्वेशन का। क्लियर है वाली बात बेटा यहां तक? यस सर। यस सर। Sir, done. Okay, I'm done, beta. Yahan tak? Yes, sir. चलिए तो इसमें आगे बढ़ते हैं, अभी आगे लिखिए। देखिए when we are solving an equation When we solving an equation, when we solving an equation, yes, sir. Take care of the following points. Take care of the following points. This is my first point. The same number is added or subtracted to both the sides of the equation कहने का मतलब यह कि अगर कोई भी इक्वेशन अपने पास में गिवन है, जैसे ये था 3x plus 6 equal to 0 था, तो इसके अंदर अपन क्या कर सकते, कोई भी अगर अपने पास इक्वेशन गिवन है तो उस इक्वेशन के बोथ साइड, दैट इज लेफ्ट साइड एंड दिस इज राइट साइड, बोथ साइड अपन क्या कर सकते हैं, सेम क्वांटिटी को क्या कर सकते हैं, एड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उससे इस इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर है वाली बात बेटा जी? फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ था अपने पास 3x plus 6 था, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रिमूव दिस 6 फ्रॉम द लेफ्ट साइड, देन वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 6 इन द बोथ साइड, इज दैट क्लियर? यस, फर्स्ट ऑफ ऑल we have to remove this 6 from the left side. तो वो कैसे पॉसिबल हो पाएगा? When 6 is subtracted in the left side, तो अपन ने क्या कर दिया? 6 को subtract कर दिया left side. तो right side में भी क्या करना पड़ेगा? Same quantity को ही subtract करना पड़ेगा, तभी तो ये वाली equation same रहेगी बेटा. Yes or no? Okay. तो ये 6 minus 6 that is 0. तो ये equation क्या हो गया आपके पास? 3x is equals to minus 6 हो गया.
तो अभी भी इस इक्वेशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। तो अगर कोई भी सेम क्वांटिटी किसी भी इक्वेशन में बोथ साइड ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसकी क्वांटिटी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। क्लियर? ओके, नेक्स्ट लिखिए सेकंड पॉइंट। Second point is when we multiply or divide both sides, by the same non-zero number, then there is no effect on the given equation. Okay, ये भी अगर अपन क्या कर रहे हैं यहां पे पॉइंट टू बी नोटेड, नॉन जीरो क्वांटिटी, क्योंकि अगर कोई भी इक्वेशन गिवन है अपन ने अपने मन बना लिया कि उसको बोथ साइड अपन ने क्या कर दिया, जीरो से मल्टीप्लाई कर दिया, जीरो इक्वल टू जीरो प्रूव कर दिया। कुछ लोग करते हैं ना ऐसे, टू इक्वल टू थ्री प्रूव करते हैं, है ना, उसमें यही वाली मिस्टेक हो रही होती है, यही वाली मैथमेटिक, ये जो मैथमेटिकल जो अप्रोच होती है ना अपनी, या ये जो फंडामेंटल है कि किसी भी जीरो से ना तो अपन डिवाइड कर सकते हैं बोथ साइड और ना ही मल्टीप्लाई कर सकते, क्योंकि जैसे जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो बोथ साइड जीरो जीरो हो जाए। क्लियर है वाली बात बेटा जी? यस सर। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे उसको अंडरलाइन कर लेना कि व्हेन वी मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय अ नॉन जीरो क्वांटिटी इन द बोथ साइड, है ना, बोथ साइड अपन कोई भी अगर अपने पास इक्वेशन गिवन है उस इक्वेशन के बोथ साइड अगर अपन नॉन जीरो क्वांटिटी से अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो उस इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने पर। हाँ, अगर अपन ने जीरो से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया तो वो इक्वेशन जो है वो बिल्कुल ही क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, बिल्कुल ही वो क्या दे देगी, कोई बहुत ही अजीब से रिजल्ट दे देगी, या तो वो नॉट डिफाइन ही बन जाएगी या फिर जीरो इक्वल टू जीरो जाएगा, जो कि पॉसिबल। ओके, क्लियर बेटा ये वाली बात अच्छे से? यस सर। ओके ओके, चलिए भाई उसके बाद लिखे जनरल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जनरल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इसमें लिखिए एनी इक्वेशन विच कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो, where a b c belongs to all real, इसका मतलब समझते हो ना, a b c all are belongs to real, all a b c belongs to real, ये belongs to का सिंबल है ये तो पता होगा तुम लोगों को या नहीं पता? Yes sir। Okay, a b c यहाँ पे क्या है, या तो ऐसे लिखते हैं कि a b c all are रियल या फिर ऐसा बोलते हैं कि बिलोंग्स टू आर, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। क्लियर वाली बात बेटा जी? यस सर। ओके, रियल एंड ए एंड बी नॉट इक्वल्स टू जीरो, ए और बी क्या है, जीरो नहीं है, यहाँ पे ए और बी क्या नहीं है, जीरो नहीं है, कहने का मतलब हुआ इसमें x का टर्म होना ही चाहिए और y का टर्म भी होना ही चाहिए,
क्लियर है वाली बात बेटा जी? यस सर। देन दिस इक्वेशन इज नोन एज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ब्रैकेट में लिख लेना, जनरल फॉर्म। इज दैट क्लियर बेटा? यस। ओके, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए बेटा। सर डन। यस सर। तो लिखिए इसमें क्वेश्चन, ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू जीरो एंड फाइंड a b c। ओके, first one is 2x plus 3y is equals to 4.37. second one is x minus 4 is equals to square root of 3y. okay, third one is 4 is equals to 5x minus 3y and third ke baad fourth one is 2x is equals to 5. jaldi se bata dijiye kya kya hai। सर, यस बेटा, सर द आंसर ऑफ लास्ट वन इज 2x-0y एंड प्लस जीरो। क्या बेटा? सर आंसर ऑफ फोर्थ वन इज 2x-0y प्लस जीरो। वाई क्यों होगा बेटा? जीरो वाई क्यों होगा? नो सर, वाई होगा सिंपल, वन वाई। तो फर्स्ट वाले में अगर अपन बात करें फर्स्ट वाले का 2x प्लस 3y प्लस माइनस प्लस माइनस 0 ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 की फॉर्म लेनी है। तो a का वैल्यू यहां पे कितना हो जाएगा? 2। b का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3। एंड c का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा? माइनस 4.3। माइनस 4.37। ओके, सेकंड वन इज x minus 4। ये 3y को इक्वल टू कितने शिफ्ट करोगे तो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3y एंड ये हो जाएगा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ओके, देन द वैल्यू ऑफ a इज x का कोएफिशिएंट यहां पे कितना है? 1।
वाई का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना बेटा? -√3. एंड द कोफिशिएंट ऑफ सी इज -4. ओके. थर्ड वन इज ये हो जाएगा 5x -3y और इसको भी इक्वल टू इंटरसेप्ट कर दोगे तो -4 = 0. क्लियर है बेटा जी वाली बात अच्छे से? यस सर. और या फिर ये वाली टर्म्स को इधर शिफ्ट कर दो तो हो जाएगा -5x -3y + 4. अगर ये राइट टर्म करते हैं तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 5, b का वैल्यू हो जाएगा -3, c का वैल्यू हो जाएगा -4 -4 या फिर क्या हो जाएगा a का वैल्यू -5, b का वैल्यू 3 एंड c का वैल्यू 4. या तो क्लियर हुआ बेटा सबको अच्छे से? यस सर. ओके फोर्थ वन इज फोर्थ का क्या हो जाएगा भाई? इसको अपन क्या लिखेंगे? 2x - y + 0. ओके a का वैल्यू यहां पे कितना हो जाएगा बेटा? 2. कांस्टेंट टर्म यहां पे कुछ था ही नहीं तो कांस्टेंट टर्म इसका मतलब क्या हो गया होगा? बिकम 0. ओके b का वैल्यू कितना हो जाएगा? -1 एंड c का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा? 0. क्लियर है अच्छे से बेटा? यस यस. ओके सर डन. डन यस. ओके उसके बाद नेक्स्ट अपन बात कर सकते हैं बेटा किधर इक्वेशन ax + b = 0 कैन बी रिटन एज इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ two variables as ax + 0 × y + b = 0. और अगर इक्वेशन गिवन अपने पास में ay + b = 0 तो उसको अपन क्या राइट डाउन कर सकते हैं? इट कैन बी रिटन एज कुछ भी cx + ay + b = 0 की फॉर्म भी दे सकते हैं. क्लियर है वाली बात बेटा जी? यस यस. तो यहाँ पे ये c जो है इस केस में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. 0 × x + ay + b = 0. क्लियर? यस यस. ओके चलिए भी write in the form of two variables. First is x = -5. The second is y = 2. The third one is 2x + 3. Sorry, 2x = 3. इनको क्या करना है? आपको दो वेरिएबल की फॉर्म में राइट डाउन करना है. फटाफट से कर डालो. सर फर्स्ट वाला हो जाएगा -5x. ये तो हो जाएगा. ये x तो गिवन है, कांस्टेंट टर्म भी गिवन है, तो अपन ने क्या कर दिया इसके अंदर 0 × y भी कर दिया. क्लियर बेटा ये चीजें? सर सेकंड वन विल बी 0 × x + 0 × y, 1 × y. 0 × y होगा बेटा, y होगा ना.
and minus 2. And third one is 2x plus 0y minus 3. 0x is beta? Yes, sir. Yes, sir. Okay. यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो बोलो बेटा. Any doubt? No, sir. कोई डाउट नहीं है यहाँ तक? यहाँ तक आया सबको अच्छे से समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Okay. अब तुम्हारा जो next class के लिए homework है, that is exercise 4.1 NCERT. Okay? Yes. Yes, sir. ओके चलिए बेटा तो बाकी की कहानी देखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर. सब लोग अपना अपना ध्यान रखें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, बढ़िया से पढ़ाई. ओके यस सर. ओके बेटा बाय बाय सर. गुड डे. बाय बाय.